हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू यूपी पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ के इस लेक्चर में। जैसे कि आप सभी को पता, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है क्रमागत संज्ञाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। मैंने क्रमागत संज्ञाओं से संबंधित कुछ प्रश्न पहले कराए हैं, कुछ फॉर्मूले भी बताए थे, ठीक है, पिछली क्लास में। लेकिन आज हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस और हमारे एग्जाम में बन सकते हैं क्रमागत संख्याओं से संबंधित। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 24 है, ठीक है। तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 24 है, तो मिडिल टर्म बताइए। तो आपको क्या बतानी है, मध्य पद बताना है, ठीक है। आपसे मिडिल टर्म बोलेगा या मध्य पद पूछेगा, तो क्या करेंगे आप, कितनी क्रमागत संख्याओं का सम है ये 24? तीन क्रमागत संख्याओं का सम है 24, तो हम क्या करेंगे, इसे तीन से डिवाइड कर देंगे। तीन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8। इसका मतलब क्या है, मध्य पद जो होगा हमारा वो क्या होगा, 8 होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? देखो, अगर आपसे बोलेगा कि तीन क्रमागत संख्याओं का सम, तीन विषम क्रमागत संख्याओं का सम, तीन सम क्रमागत संख्याओं का सम, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से दे सकता है, तीन क्रमागत संख्या का सम भी बोल सकता है, तीन विषम क्रमागत संख्याओं का सम भी बोल सकता है, और तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग भी बोल सकता है। तो आपको क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्य पद, ठीक है। मिडिल टर्म मध्य पद बराबर क्रमागत संख्याओं का योग बटे n, ठीक है। n क्या है, क्या है यहां पे, जहां n बराबर पदों की संख्या, ठीक है। और हमारा n क्या होना चाहिए, n हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, मतलब ओड होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। अगर आपको मिडिल टर्म निकालनी है, क्रमागत संख्याओं का सम दे रखा है, योग दे रखा है, तब आप जितनी संख्याओं का सम दे रखा है उतने से डिवाइड करेंगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, मध्य पद मिलेगा, मिडिल टर्म मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहां आपको करके दिखाया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और किस टाइप से बनेगा। अगर मैंने आपसे बोला कि पांच क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 80 है, ये क्वेश्चन करके लिख लेना। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 80 है, तब आपको क्या निकालनी है, तब मध्य पद छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या बताइए। ये सब चीजें आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको विषम पदों का सम गिवन हो, वो चाहे सम संख्याओं का हो या विषम संख्याओं का हो या एन प्राकृतिक संख्याओं का हो, ठीक है। तो जब भी आपको विषम संख्याओं के पदों का सम दिया हो, तब आपको क्या करना है, सम लिखना है, जितने भी सम है। सम हमें कितना दिया था, 80, और कितनी संख्याओं का दिया था, 5, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 16 × 5 = 80 होता, 16 आ गया हमारा। इसका मतलब क्या है, ये मध्य पद आएगा हमेशा,
हमेशा मध्य पद आएगा जब भी आप सम को नंबर ऑफ टर्म से कुल पदों की संख्या से डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा क्या बोलेगा मिलेगा मध्य पद मिलेगा, बशर्ते आपकी जो पदों की संख्या वो क्या होनी चाहिए विषम होनी चाहिए। ठीक है, अगर इवन होगी तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या आ गया मध्य पद आ गया, एक आंसर आ गया हमारा कि हमें मध्य पद निकालना था तो मध्य पद आ गया। अब हम सब पूछिए छोटी संख्या, तो ये मध्य पद है और पांच हमारी सम संख्याएं हैं, तो दो सम संख्याएं इसके आगे होंगी और दो सम संख्याएं इसके पीछे होंगी। ठीक है, इधर होंगी। अगर मैं आगे वाली सम संख्याओं की बात करूं तो 16 के बाद अगली सम संख्या क्या आएगी 18 और उससे अगली सम संख्या क्या आएगी हमारी 20। अगर मैं पीछे की बात करूं तो 16 के पीछे की सम संख्या क्या आएगी 14 और उससे पीछे की संख्या क्या आएगी हमारी 12, यही आएंगी ना। ठीक है, तो अब हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी 12। ठीक, अगर हमसे क्या पूछा था बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 20। इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। ठीक, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 145। ठीक है, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना हमारा 145 है, तब मध्य पद छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, ये आपको बताना है। सेम वही करेंगे, सम कितना गिवन है हमें, सम हमें कितने गिवन है 145। मैंने आपको बताया था अगर विषम पदों का सम गिवन हो, ठीक है, वो चाहे सम संख्याओं का हो या विषम संख्याओं का हो या एन प्राकृतिक संख्याओं का हो, तब आपको क्या करना है सम को कितना दे रखा है 145, नंबर ऑफ पदों की संख्या से हमें क्या करना डिवाइड करना, पांच से हम डिवाइड करेंगे तो वो कितनी बार जाएगा 5 × 2 = 10, 4 बचेगा, 5 × 9 = 45। ठीक, तो ये हमारी क्या आ गई मध्य पद आ गया ये हमारा। ठीक है, डायरेक्ट आपका इस तरीके से मध्य पद लिख लेगा, तो ये तो हमारा मध्य पद आ गया। अब हमने क्या बात करी थी कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग था ये, तो पांच विषम क्रमागत संख्याओं का योग है और ये हमारी मध्य पद है, तो इसका मतलब क्या है दो विषम संख्याएं इसके आगे होंगी, दो ही विषम संख्याएं इसके पीछे होंगी। अगर मैं आगे वाली विषम संख्याओं की बात करूं तो कौन कौन सी होंगी, देखो एक तो 31 होगी और दूसरी क्या होगी 33 होगी। ठीक, अगर मैं पीछे वाली विषम संख्याओं की बात करूं तो कौन कौन सी होंगी, एक तो 27 होगी, उसके बाद क्या होगी 25 होगी। अब आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कैसे, हमसे क्या पूछा था छोटी संख्या, जो छोटी संख्या क्या होगी हमारी 25, बड़ी संख्या पूछी थी हमसे तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 33। आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होंगी और आसान भी लग रही होंगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सात क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 91 है, 91 है। ठीक है, तब आपको क्या करना है दूसरी
तथा पांचवी संख्या का क्या बताना है, अंतर बताना है, अंतर बताइए। ठीक है, सात क्रमागत विकसन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 91 दे रखा है। तब हमें क्या करना, दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का अंतर बताना है कि दोनों का अंतर कितना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि मिडिल टर्म मध्य पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो सम गिवन है हम उसे क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सात है तो कितनी बार जाएगा, 13 × 7 = 91, 13 आ गई। ठीक, ये मिडिल टर्म आ गई हमारी, मध्य पद आ गया। अब इसके बाद सात हैं ये संख्याएं, तो तीन ही आगे होंगी और तीन ही हमारी क्या होंगी, पीछे होंगी। अगर मैं आगे वाली की बात करूं तो कौन कौन सी होंगी, 15, 17, 19 होंगी। अगर मैं पीछे वाली संख्याओं की बात करूं तो एक 11 होगी, एक 9 होगी और एक क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, आ रही है बात इतनी समझ में, 11 होगी, 9 होगी और 7 होगी, क्योंकि विषम संख्याओं की बात कर रहे थे। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या कौन सी होगी हमारी, 9, तथा पांचवी संख्या क्या होगी हमारी, 15। दोनों के क्या चाहिए हमें, डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उसमें क्या क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। तो डिफरेंस अगर हम निकालेंगे पांचवी और दूसरी संख्या का, तो 15 माइनस के क्या करेंगे, 9 = 6। ये आपका आंसर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 4 क्रमागत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या गिवन है हमें, 36 है। ठीक है, तब तीसरी संख्या बताइए, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला जो काम करेगा आपका विषम संख्याओं के योग में काम करेगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, विषम हो। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, सम है। क्या दी है, 4 क्रमागत संख्याएं। तो पदों की संख्या कितनी होगी हमारे यहां, 4, जो कि क्या है, सम। तो अब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, अब हम मिडिल टर्म इसकी सहायता से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, देखो अगर मैं लेट कर लूं कि पहली जो सम संख्या है वो क्या है हमारी, x है। पहली जो सम संख्या है वो मैंने लेट कर ली x, तो इसके आगे की संख्या क्या होगी हमारी, x + 2। इससे आगे की संख्या क्या होगी, x + 4। और इससे आगे की संख्या क्या होगी हमारी, x + 6। ठीक, मैंने दो दो का डिफरेंस ले लिया, क्योंकि आपको पता है सम संख्याओं में जो डिफरेंस होता है वो दो दो का डिफरेंस होता, और विषम संख्याओं में भी दो दो का डिफरेंस होता। अगर हमें सम संख्याएं माननी है तब भी हम इसी टाइप से मानेंगे, और अगर हमें विषम संख्याएं माननी है तब भी हम इसी टाइप से मानेंगे। ठीक है, जबकि विषम संख्याओं में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सम संख्याओं में ही जरूरत पड़ेगी, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सम होगा तभी हमें जरूरत पड़ेगी इस टाइप से। ठीक है, तो ये दे रखा था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तब हमारी तीसरी संख्या बताइए। तो इन सभी का क्या दे रखा है हमें, योग दे रखा है। इन सभी का क्या दे रखा है, योग दे रखा है, कितना दे रखा है, 36। ठीक, अब देखो एक एक्स ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितने आएंगे ये, 4x। इतनी बात समझ में आ रही है, 2 और 4 कितना होगा, 6 और 6 = 12 बराबर 36। ठीक है, 4x बराबर कितना आएगा आपका यहां से, तो 36 माइनस के 12 कितना आ गया, 24। ठीक, x बराबर कितना आएगा आपका, 6 × 24। ठीक है, x बराबर 6 आएगा। हमसे क्या पूछी थी, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कौन सी है भैया आपकी, ये है x + 4।
तो x क्या है, 6 है, तो x प्लस 4 क्या होगी हमारी, 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। तो तीसरी जो सम संख्या होगी हमारी वो क्या होगी, 10 होगी। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि छह क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तब आपको क्या बताना है, चौथी विषम संख्या बतानी है, चौथी विषम संख्या बताइए, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो छह क्रमागत सम संख्या आए हैं, पहली मैं क्या मानूंगा x, दूसरी क्या होगी x प्लस 2, तीसरी क्या होगी x प्लस 4, चौथी क्या होगी x प्लस 6, पांचवी क्या होगी x प्लस 8 और छठी क्या होगी x प्लस 10, ठीक है। इन सभी का सम क्या दे रखा मुझे, 180 दे रखा है, तो सभी को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, ठीक है, सभी को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, कितनी संख्या है, 6, तो यहां से क्या आएगा, 6x आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, प्लस 2 और 4, 6, 12, 20, ये कितना हो गया 30, ठीक है, 30 इक्वल्स टू 180। अगर मैं 6x बराबर कितना आएगा 150, ठीक, x बराबर कितना आएगा 150/6, ठीक है। अगर मैं 2 से काटूंगा तो 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 75 बार जाएगा, 3 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 25। हमसे क्या पूछी थी, चौथी संख्या, चौथी संख्या कौन सी होगी हमारी, एक तो ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी कौन सी होगी, ये x प्लस 6, तो चौथी संख्या जो होगी हमारी, चौथी संख्या x प्लस 6 मतलब 25 प्लस 6 इक्वल्स टू 31, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चार क्रमागत क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 72 हो, चार विषम संख्याओं का योग 72 हो, तब क्या करना है, दूसरी तथा चौथी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछ लिया कि दूसरी और चौथी संख्याओं का क्या पूछ लिया, हमसे गुणनफल पूछ लिया। कैसे करेंगे, देखो चार क्रमागत विषम संख्याएं हम कैसे मानेंगे, देखो जैसे सम मानते हैं वैसे ही सम विषम मानेंगे, x दूसरी क्या होगी x प्लस 2, तीसरी क्या होगी x प्लस 4, चौथी क्या होगी x प्लस 6, ठीक है। इनका योग कितना दे रखा है, 72, तो सभी को क्या करोगे, जोड़ दो, सभी को क्या करोगे, जोड़ दो, 4x प्लस के कितना आएगा हमारा 12 इक्वल टू 72, 4x इक्वल टू कितना आएगा हमारा 60, ठीक है, 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15, ठीक है, x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 15। अब हमसे पूछा दूसरी तथा चौथी संख्याओं का गुणनफल, तो हम दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 अगर की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 15 प्लस के 2 बराबर
17। दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 17। अगर हमसे पूछी थी चौथी संख्याओं का गुणनफल, तो चौथी संख्या कौन सी होगी हमारी, एक्स प्लस सिक्स, मतलब 15 + 6 = 21। ये हमारी चौथी संख्या हो गई। दोनों का गुणनफल की बात करें, गुणनफल की बात करें तो कैसा आएगा, 17 × 21। ठीक है, अब देखो 17 × 7 हासिल 1, 17 × 34 और 1 = 35। ये आपका 357 इसका क्या आएगा आंसर। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है, चलो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है 2 क्रमागत क्वेश्चन है 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तब छोटी संख्या बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन। जब आपसे दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल दे या दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दे, तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपका गुणनफल है उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है और उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया, देखो यहां से 529 आएगा। ठीक है, 529 किसका स्क्वायर रूट, 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 23, 23। ठीक है, तो ये 23 आ गया। अब हमें क्या कर रहा था, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, तो ये 23 जो आया है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल दे रखा था, उन क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल मतलब उन क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या आई है 23। ठीक है, ये 23 जो है उन दोनों सम संख्याओं के बीच की संख्या आई है, तो 23 से अगर अगली संख्या की बात करूं मैं तो कौन सी संख्या आएगी, 24। अगर पिछली संख्या की बात करूं तो कौन सी आएगी, 22। ठीक है, हमसे क्या पूछा, छोटी संख्या, इसका मतलब छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 22 आंसर। अगर हमसे पूछता बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होती है हमारी, 24 आंसर। ठीक है, विद इन सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चन आप बनाएंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तब जाके कहीं सोल्व होगा। ठीक है, उस चक्कर में ना पढ़ के सीधा सीधा जो भी आपका गुणनफल दिया है उसमें एक जोड़ो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, जो स्क्वायर रूट आएगा अगर सम संख्याएं दी हैं तो उनके बीच की विषम संख्या आएगी, अगर आपकी विषम संख्याएं दी हैं तो उनके बीच की सम संख्या आएगी। ठीक है, एक एक जोड़ के छोटी बड़ी संख्या हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा मैंने 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। ठीक है, तब छोटी व बड़ी संख्या का सम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल क्या है, 399 है, तब आपको क्या बताना है कि छोटी व बड़ी संख्या का सम निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, सम का मतलब यहां क्या है, योग। ठीक है, योग निकालना। तो मैंने क्या बताया था, जो भी आपको दो विषम क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है उसमें क्या करना, आपको डायरेक्ट एक जोड़ना है, 399 में एक जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो यहां से क्या आएगा, 400, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20,
क्योंकि दो क्रमागत विषम संख्याएं थी तो उनके बीच की ये क्या है सम संख्या है। इससे अगली विषम संख्या क्या होगी 21, इससे पिछली विषम संख्या क्या होगी हमारी 19। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अगर हमसे पूछता छोटी संख्या क्या, छोटी संख्या हमारी 19 होती। अगर हमसे पूछता बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या हमारी 21 होती। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन में हमसे पूछा है दोनों का योग, छोटी बड़ी संख्या का योग। अगर मैं योग की बात करूं तो योग बराबर 19 प्लस 21 कितना आएगा 40 आंसर। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा और वीडियो में आनंद भी आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल यूपी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।